नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। जालौर में समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय नागरिकों के द्वारा तहसील परिसर में चल रहे आमरण अनशन को क्षेत्रीय विधायक और उच्च अधिकारियों के द्वारा आश्वासन देने के बाद दूसरे दिन समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर किसानों और सड़कों की समस्या के चलते अनशन किया जा रहा था। तहसील दिवस के समापन के बाद विधायक नरेंद्र सिंह जादौन, CDO प्रशांत श्रीवास्तव, SDM कौशल कुमार अनशन स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से रूबरू होते हुए उन्होंने 5 सूत्रीय समस्याओं को सुना। फतेहपुर जनपद के कोतवाली बिंदकी क्षेत्र के खिदरपुर गांव के पास तेज रफ्तार टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया। टेम्पो पलटने से चालक दारोगा प्रसाद सोनकर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। जो यहाँ की तरफ जा रहा था बेंकी से, तो टाइम को पलट गई, चोटा आ गए। अच्छा, ये बताओ क्या है? हाँ, ड्राइवर की मौत हो गई, 10-12 आदमी घायल हो गए। पुलिस पहुंची, हम लोगों का अस्पताल लाया, तो मलहम पट्टी हो। यूपी की कौशाम्बी पुलिस ने 11 साल की मासूम बच्ची की आबरू की कीमत महज 28,000 रुपए लगाई है। 2 दिन पहले कोतवाली में पंचायत कर इंस्पेक्टर ने पीड़ित परिजनों पर सुलह और समझौता किए जाने का दबाव डाला, जिसके बाद पीड़िता की मां अपनी फरियाद देकर मंजनपुर तहसील दिवस में पहुंची। पीड़िता की मां ने DM SP के सामने इंस्पेक्टर उदयवीर सिंह से हाथापाई करते हुए जमकर हंगामा भी किया। पीड़िता की मां ने DM और SP को बताया कि उनकी मासूम बेटी के साथ पड़ोस के युवक ने रेप किया था, जिस मामले की FIR भी दर्ज की गई। इस मामले में 28,000 रुपए लेकर समझौता करने का दबाव बनाया गया। वहीं DM और SP ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बेटी के साथ बलात्कार हुआ है मोदी सरकार की राज में, और 11 साल की मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं मिल रहा है, सब प्रशासन मिला हुआ है। ये उदय बांध भी कह रहे हैं हमसे इंस्पेक्टर की 28,000 रुपए लेके आप फैसला कर दीजिए। बताओ बेटी की कीमत 28,000 रुपए है, कोई अपनी बेटी को 28,000 में बेच देगा? गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद में हाई अलर्ट जारी है, जिसके चलते शॉपिंग मॉल्स, भीड़भाड़ वाले इलाके आदि जगहों पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसके लिए इस तरह के चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। ये 26 जनवरी आगामी जो गणतंतर दिवस है, उसके दृष्टिगत पूरे NCR में सतर्कता बरती जा रही है, संवेदनशीलता के दृष्टिगत। और इसी तरह हमेशा की भांति इस बार भी गाजियाबाद जनपद में विभिन्न जनपद पर कल से ही रात्रि में भी और दिन में भी चेकिंग अभियान चलाया गया है, विभिन्न जगहों पे बैरियर्स लगाए गए हैं। गाजियाबाद के थाना कविनगर इलाके के RDC में सुलभ शौचालय के अंदर लूट का मामला सामने आया। 2 हथियारबंद बदमाशों ने LIC एजेंट कुलदीप जैन से 3 अंगूठे लूट ली। अंगूठी में कीमती नग भी लगे थे। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने हेलमेट लगाया हुआ था। कविनगर नहीं, RDC में आता है। RDC में मैं यूरिन करने आया था 2:15 बजे के करीब, तो वहाँ पर जब यूरिन कर लिया मैंने, उसके बाद एक बदमाश आया, वो उसने हेलमेट पहन रखा था। जैसे वो मैं बाहर निकलने को हुआ, तभी उसने कहा कि कुछ दो। मैंने सोचा शायद वैसे ही कुछ मांग रहा है, मैंने कहा भाई चलो आगे चलो। तो उसने तुरंत ही मुझे तमंचा दिखाया, तमंचा दिखा के कहने लगा अंगूठी निकाल अपनी। फिर वो अंगूठी मांगने लगा, फिर मुझे कुछ डाउट हुआ, फिर मैं दूसरी साइड में भागने को कोशिश करी। तो आपने देखी उत्तर प्रदेश की खास खबरें, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ठीक इसी तरह की बाकी खबरों के लिए और उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।